हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, चोकोपाई किसको पसंद नहीं होती है। चोकोपाई बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बाजार से अगर आप हमेशा उनको चोकोपाई दिलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। आज मैं आपके लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस, बिल्कुल बाजार जैसी चोकोपाई की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आप इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर घर पे बना के तैयार कर लेंगे, और वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट्स में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, चोकोबाई बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर की क्रीम बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 छोटे पैकेट मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। इसका मतलब है ये मैं 4 बड़े चम्मच के करीब मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। तो ये आधी कटोरी के करीब मिल्क पाउडर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए छोटे छोटे पैकेट लाई थी, आधी कटोरी के करीब मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब कंडेंस मिल्क। तो यहाँ 2 चम्मच के करीब नाप के मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया है। अब ये इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बट ये इसके अंदर लिक्विड कम है, तो अभी मैं इसके अंदर एक चीज़ और डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ले रही हूँ 1/4 कप के करीब क्रीम। आप चाहें तो इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल अमूल वाली क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, और ये आपको थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा शुरू में, और इसको हमको चिपचिपा ही बैटर बनाना है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। थोड़ी थोड़ी करके क्रीम को इसके अंदर मिक्स कीजिएगा, और ये चिपचिपा सा बिल्कुल स्टिकी सा हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी है फ्रेंड्स, जैसे कि आप चोकोपाई में देखते हैं मार्केट वाली, उसके अंदर ऐसी चिपचिपी सी क्रीम होती है, वैसी ही हो गई है। देखिए 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पे क्रीम इसके अंदर मिक्स कर दी है। बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, लम्स नहीं होने चाहिए। अब इसके अंदर फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ बिल्कुल 1/4 चम्मच के करीब वनीला एसेंस, और वनीला एसेंस डालने से जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये चोकोपाई के अंदर जो क्रीम होती है वो तो हमारी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही इजीली बन गई है, देखा आपने। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है, ये बिल्कुल बाजार जैसी चोकोपाई वाली कंसिस्टेंसी आई है, तो सेम ऐसी ही क्रीम होती है बाजार वाली चोकोपाई में। चलिए इसके बाद हम जो चॉकलेट होती है जो चोकोपाई के चारों तरफ, उसको तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट को तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स के करीब कंपाउंड चॉकलेट ली है, और यहाँ पे मैंने दोनों तरीके की चॉकलेट ली है, इसके अंदर डार्क कंपाउंड चॉकलेट और मिल्क कंपाउंड चॉकलेट आधी आधी मात्रा में ली है। तो इसको अभी मैं 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको मेल्ट कर लिया है। आप चाहें तो वैसे इसको डबल बॉयलर पे भी मेल्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी, और फिर से 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन टोटल मैंने इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया था, और ये अच्छे से मेल्ट हो गई है हमारी चॉकलेट। आप चाहे तो वैसे डबल बॉयलर पे भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। मैंने वैसे कंपाउंड चॉकलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो वहाँ से जाके परचेज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके और डेरी मिल्क से भी बना सकते हैं, जो कि बाज़ार में ईजिली अवेलेबल है। तो ये हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, देखिए मैंने इसको अच्छे से स्मूथ कर लिया है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिए हैं हमारी बिस्किट। तो यह हमारी बिस्किट मैंने लिया है पूरा 1 पैकेट बड़ा वाला। और फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी बिस्किट का जो शेप है वो गोल है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है चोकोपाई बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कोन के अंदर भर ली है हमारी ये क्रीम, और इस तरीके से देखिए बिस्किट के अंदर मैं लगा दूंगी क्रीम को, और दूसरे बिस्किट से थोड़ा सा इसको दबा के और पुश कर दूंगी, ताकि दोनों बिस्किट आपस में अच्छे से चिपक जाएं। और ये क्रीम क्योंकि हमने थोड़ी सी थिक रखी है और चिपचिपी है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों बिस्किट को ज्वाइन करके रखेगी, बहुत ही टेस्टी क्रीम है। तो इस तरीके से हम ये सारी की सारी क्रीम है ये बिस्किट्स के अंदर लगा लेंगे, और इससे आपके कम से कम 20 के करीब जो है चोकोपाई बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे बिस्किट्स को तैयार कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसको चॉकलेट में कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था, ये अभी थोड़ी सी टेम्परेचर इसका सही हो गया है, और ये बिस्किट्स भी देखिए हमने तैयार कर लिए हैं। चॉकलेट बहुत ही स्मूथ है, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है, और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए चॉकलेट।
तो इसको बिस्किट्स को हम इस तरीके से चॉकलेट में डिबा देंगे और चारों तरफ अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। चम्मच से ऊपर तक चॉकलेट लगा दीजिए अच्छे से, और उसके बाद एक फोक की सहायता से हम इसको उठाएंगे और हल्का सा इसको टैप कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट है जो वो निकल जाए। और इस तरीके से आप किसी प्लास्टिक की प्लेट में रख सकते हैं या फिर बटर पेपर लगा के ऊपर से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो प्लेट है इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा रखा है तो ये चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं सारी की सारी चोकोपाई को बना के तैयार कर लूँगी। अभी सर्दियों का टाइम है तो ये किचन फ्लोर पे भी आराम से जम जाएगी, वरना अगर गर्मियों के टाइम में बना रहे हैं तो इसको आप कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ये आराम से सेट हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही झटपट से, बहुत ही फटाफट से आपकी ये चोकोपाई बन के तैयार हो जाएगी। बच्चों को घर पर बना के खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मैंने दूसरी भी बना ली है इस तरीके से, और इसका जो टेस्ट है बिल्कुल बाज़ार वाली चोकोपाई जैसा आता है। इसके अंदर जो हमने क्रीम बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, उसके अंदर वनीला का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी चोकोपाई बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल बाज़ार जैसी चोकोपाई बनी है, कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इसको घर पर बनाया है। एक मैं खा के भी देख लेती हूँ, ये देखिए बहुत ही डिलीशियस और बहुत सारी क्रीम अंदर भरी हुई है, बहुत ही इसका टेस्ट अमेजिंग है। आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार तो ट्राई करना बनता है। आप इसको बच्चों के साथ भी बना के इंजॉय कर सकते हैं, अभी क्रिसमस का टाइम आ रहा है, क्रिसमस पे बनाइए, न्यू ईयर पे बनाइए, बर्थडे पार्टीज़ में बनाइए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा और भी टेस्टी डिलीशियस केक्स की, स्वीट्स की, चॉकलेट्स की रेसिपीज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक्स दिए हैं, ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एक वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।